उत्तराखंड के विषम परिस्थितियों में अपना अहम योगदान देने वाली महिलाओं और बालिकाओं को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सम्मानित किया। सीएम धामी ने कहा कि पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिलाओं के साथ खड़े होकर हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। प्रदेश सरकार महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। देहरादून में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने राज्य की विषम परिस्थितियों में शिक्षा, समाज सेवा, खेल, कला, संस्कृति, पर्यावरण एवं कृषि आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिला एवं किशोरियों को वर्ष 2022-23 का राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री ने पुरस्कार विजेताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिलाओं के साथ खड़े होकर वो स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार महिला शक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास कर रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं के उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए कार्यक्रम में प्रदेश की 13 महिलाओं को राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली व 35 महिलाओं को राज्य स्तरीय आंगनवाड़ी कार्यक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही विजेताओं के बैंक खातों में पुरस्कार की धनराशि ऑनलाइन भेजी गई है। सभी जनपदों से ऐसी महिलाएं या ऐसी बालिकाएं जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है, ये अपनी जीवन की चुनौतियों को पार पाते हुए सफलता हासिल करी है और समाज को बड़ा संदेश देने का काम किया है, ऐसी महिलाओं ऐसी बालिकाओं को चिन्हित करते हुए उनको तिलू रौतेली पुरस्कार से आज सम्मानित किया गया है। और साथ ही साथ हमारी आंगनबाड़ी बहनें जो बेहतरीन काम अपने आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से सरकार के विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को लगातार संपादित कर रही हैं और जन जन तक पहुँचाने का काम कर रही हैं, एक गर्भ में पल रहे छोटे से शिशु के आने से लेकर उसके प्रसव तक में और प्रसव उपरांत भी और लगातार 6 वर्ष तक उसकी देख रेख करना, उस नए भविष्य की तैयारी करना, इस जिम्मेदारियों को जो सफलता से निर्वहन कर रही हैं ऐसी 35 आंगनबाड़ी बहनों को आज माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी के द्वारा उनको सम्मानित किया गया है। और सम्मान इस बात से भी रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कथन था, उनकी घोषणा थी कि हम तिलू रौतेली पुरस्कार प्राप्त करने वाली और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिलाओं को उनके मनोबल को और आगे बढ़ाने के लिए 51,000 की जो धनराशि उनकी घोषणा का हिस्सा था, आज वो फलीभूत हुई है। डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में आज जो है वो पैसा सीधा ट्रांसफर कर दिया गया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।